Good morning to all. So in the yesterday's video, we have completed our chapter 11 with the exercise of page number 96 and 97. Now in today's video, we'll read a new chapter, chapter 12, that titled as Garlands Are Forever. Garlands are forever. Garlands क्या होते हैं पता है आपको? Garlands हम बोलते हैं फूलों के हार को, जो फूलों का हार होता है उसको हम बोलते हैं क्या, गार्लेंड्स। तो गार्लेंड्स ऑफ फॉर एवर मीन्स फूलों के हार हमेशा के लिए। तो क्या दिया है इस पोएम में, हम रीड करते हैं। पहले हम एक बार पूरा इंग्लिश में रीडिंग लगा लेते हैं, फिर लाइन बाय लाइन आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन। ऑन माई बर्थडे माई ग्रैंडमा बॉट रोजेस, जैस्मिन एंड मैरीगोल्ड। She worked tirelessly and didn't appear old. Grandma decorated her temple. The god smiled and she smiled too. Everything was glistening and new. The garlands made of marigold are the most beautiful, I am often told. My mother likes them as they are fresh and bright. They look brighter in the temple lights. On the third day, the garlands wither away, had to be discarded the same day. To string each one, how long did Grandma sit? She made each garland bit by bit. So couldn't throw them, left them in a flower pot, and soon about it I just forgot. Then one day plenty of saplings grew, on each new leaf was the glittering dew. In the flower bed I planted them one by one, they soon began to bloom under the bright sun. Now Grandma plucks flowers each day, blesses me when her prayers she says. तो एक बॉय है इस पोयम में, वो बोल रहा है, ऑन माई बर्थ डे माई ग्रैंडमा बॉट रोज, जैस्मिन एंड मैरीगोल्ड, शी वर्क टायरलेसली एंड डिड अपीयर ओल्ड। तो एक वो लड़का है इस पोयम में, वो बता रहा है कि मेरे बर्थडे, मेरे जन्मदिन पे जो मेरी दादी माँ है वो क्या खरीद के लाई थी, रोजेस, जैस्मिन और मैरीगोल्ड, इनके फ्लावर्स खरीद के लाई थी वो। शी वर्कड टायरलेसली एंड डिड अपीयर ओल्ड। वो कैसे काम करती हैं, टायरलेसली मतलब बिना थके हुए, और ऐसा लगता ही नहीं है कि वो ओल्ड एज है। मतलब अपनी दादी माँ रहती है ना, कितना काम करती हैं वो इस उम्र में भी। तो वो इस, ये लड़का भी ये बता रहा है कि मेरी दादी माँ इतना काम करती है, बिना थके हुए काम करती है कि लगता ही नहीं है कि वो ओल्ड एज है। ग्रैंड माँ डेकोरेटेड हर टेम्पल, द गॉड स्माइल्ड एंड शी स्माइल्ड टू, एवरीथिंग वॉज ग्लिसनिंग एंड न्यू। अब वो बता रहा है कि मेरी दादी माँ ने क्या किया था, टेम्पल मंदिर को सजाया था, किससे, जो फूल लेके आई थी ना, रोज़, जैस्मिन और मैरीगोल्ड के, उनसे सजाया था मंदिर को। द गॉड स्माइल्ड एंड शी स्माइल्ड टू, वो भगवान हंसे और उनको देख के दादी माँ भी हंसी। एवरीथिंग वॉज ग्लिसनिंग एंड न्यू, हर चीज़ कैसा था, ग्लिसनिंग यानी कि चमकदार और नया था। ग्लिसनिंग मतलब क्या होता है, चमकदार। तो बता रहा है कि बर्थडे पे, मेरे बर्थडे पे दादी माँ रोज़, जैस्मिन और मैरीगोल्ड के फूल लेके आई थी, और वो बिल्कुल बिना थके हुए काम करती जाती हैं, जिससे पता ही नहीं पड़ता कि वो कैसे हैं, ओल्ड एज हैं। फिर वो बताता है कि मेरी दादी माँ ने उन फूलों से मंदिर को सजाया था, और जिसको वो डेकोरेशन देख के भगवान भी हंसे और उनको देख के मेरी दादी माँ भी हंसी। हर चीज़ उस समय क्या थी, चमकदार और नई थी। होता है ना हमारे जन्मदिन पे, हमारे देश पे पूजा होती है, घर में भगवान का मंदिर सजाया जाता है, उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम उनकी पूजा करते हैं। तो यही चीज़ उस लड़की के बर्थडे पे भी हुई।
The garlands made of marigold are the most beautiful, I am often told. अब वो बता रहा है garlands मतलब जो फूलों का हार है किससे बना हुआ, मैरीगोल्ड से. मैरीगोल्ड फूल से जो बना हुआ फूलों का हार था वो कैसा था, बहुत ही सुंदर था. और जो कि मैं अक्सर बोलता हूँ उसको, मैरीगोल्ड से बने हुए जो garlands है वो बहुत पसंद आते हैं. My mother likes them as they are fresh and bright. They look brighter in the temple light. So बता रहा है कि मेरी मम्मा को भी वो बहुत पसंद है क्योंकि वो कैसे थे, ताज़ा और चमकीले थे और जो मंदिर की जब लाइट जलती है तो वो और ज़्यादा चमकदार दिख रहे थे. जो उनने फूलों की जो माला बनाई थी, मैरीगोल्ड के जो फूल थे उनकी जो माला बनाई थी, तो वो बच्चे को और उसकी मम्मा दोनों को ही काफ़ी पसंद आए. और वो वैसे भी ताज़ा और चमकीले फूल थे, देखा होगा आपने फ्रेश फ्लावर्स कैसे मतलब एकदम उनका कलर इतना अच्छा लगता है. तो वो वैसे ही इतने ताज़ा और चमकीले थे तो मंदिर की लाइट में वो और भी ज़्यादा चमक रहे थे. On the third day, the garlands withered away, had to be discarded the same day. अब थर्ड डे यानी कि तीसरे दिन उसके जब उन्होंने garlands बनाए, फूलों का हार बनाया, उसके तीसरे दिन, तीन दिन बाद क्या हुआ, garlands withered away. withered मतलब क्या हो गए, वो फूलों की माला मुरझा गई. मुरझा जाती है ना, हम माला चढ़ाते हैं भगवान को, उसके बाद जो फूल रहते हैं गेंदे के फूल सूख जाते हैं. तो बता रहा है हैड टू बी डिस्कार्डेड द सेम डे. फिर हमें क्या करना था, जिस दिन हमने देखा कि वो मुरझा गए तो उनको बाहर करना ही था क्योंकि सूखे फूल अब कैसे रखेंगे, सूखी हुई माला उनके सामने मुरझाए हुए फूल की. तो उस दिन क्या करा हमको, उन्हें माला को बाहर निकालना ही पड़ा. डिस्कार्डेड मतलब होता है बाहर किया हुआ. टू स्ट्रिंग ईच वन, हाउ लॉन्ग डिड ग्रैंडमा सिट, शी मेड ईच गार्लैंड बिट बाय बिट. अब टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब होता है तार, तो सारे फूलों को एक तार में जोड़ना. कितने लंबे समय तक ग्रैंडमा मेरी दादी माँ बैठती, उन्होंने हर गार्लैंड कैसे बनाया था, बिट बाय बिट थोड़ा थोड़ा जोड़ के उनने गार्लैंड फूलों का हार तैयार किया था. सो कुन थ्रो देम, लेफ्ट देम इन अ फ्लावर पॉट एंड सून अबाउट इट आई जस्ट फॉरगॉट. अब फूल सूख भी गए थे, माला सूख गई थी पूरी, उनको बाहर भी निकालना था मंदिर से. अब वो फेंक भी नहीं सकता उसको क्योंकि उसकी दादी माँ ने बहुत मेहनत करके बनाए थे. तो उसने क्या किया, उन फूलों को, जो माला थी उन फूलों की, उसको उसने किस में डाल दिया, फ्लावर पॉट गमले में डाल दिया. एंड सून अबाउट इट आई जस्ट फॉरगॉट, वो बोल रहा है कि फिर कुछ दिनों बाद जल्द ही मैं क्या उनके बारे में भूल गया. किनके बारे में, जो मुरझाए हुए फूलों की माला थी उसको उसने फ्लावर पॉट में डाल दिया था और फिर वो उसके बारे में जल्दी भूल गया. देन वन डे प्लेंटी ऑफ सैपलिंग्स ग्रू ऑन ईच न्यू लीव वॉज द ग्लिटरिंग ट्यू. अब वो बता रहे हैं कि फिर एक दिन क्या हुआ, उस गमले में कुछ सैपलिंग्स उगे. सैपलिंग्स मतलब छोटे छोटे पौधे उगे और हर सैपलिंग की पत्ती पे क्या थी, ग्लिटरिंग ड्यू. ड्यू मतलब होता है ओस, तो चमकती हुई ओस थी. अब वो जैसे ही गार्लैंड यानी कि फूलों के हार को गमले में डाल के भूल गया था, तो फिर वो बोलता है कि मैं भूल गया था इसको गमले में डाल के, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद मैंने देखा तो क्या हुआ, कुछ सैपलिंग्स उसमें उग रहे थे, छोटे छोटे पौधे जिनकी पत्तियों पर चमकती हुई ओस थी. In the flower bed, I planted them one by one. They soon began to bloom under the bright sun. अब वो बता रहे हैं फ्लावर बेड में आई प्लांटेड देम वन बाय वन, मतलब जहाँ पे फूल लगते हैं, जहाँ उसकी क्यारी थी वहाँ उसने उसको प्लांट कर दिया उन छोटे छोटे सैपलिंग्स को. और फिर जल्दी वो क्या होने लगे, धीरे धीरे करके ब्लूम यानी कि खिलने लगे, ब्राइट सन यानी कि चमकदार सूरज के नीचे. Now grandma plucks flowers each day, blesses me when her prayer she says. अब वो बोलता रहा है कि अब मेरी दादी माँ हर दिन क्या करती है, वहाँ से फ्लावर्स तोड़ती हैं, प्लक करती हैं और मेरे को आशीर्वाद देती हैं जब भी वो प्रेयर करती हैं. तो उनको क्या बाहर से खरीद के लाने पड़ते थे पहले, तो फ्लावर बाहर से खरीद के लाई थी वो, उन्होंने
फिर उन फूलों से बहुत ही प्यार से माला बनाई थी मेहनत करके, क्या माला हार बनाया था फूलों का, और फिर उस फूलों के हार को भगवान के मंदिर में चढ़ा दिया था। लेकिन वो कुछ दिन बाद क्या हो गए, फूल मुरझा गए, मतलब पूरी माला कैसी हो गई, वो मुरझा गई। तो भगवान के आगे से वो तो निकालनी थी उनको, तो उनने वो माला हार से निकाल दी। अब क्योंकि वो दादी माँ ने बहुत मेहनत करके बनाई थी, तो बच्चा नहीं चाहता था कि वो उस माला को फेंक दे, तो उन्होंने ऐसे ही सडनली फ्लावर पॉट में उस माला को डाल दिया। अब फ्लावर पॉट में जब उसने उस माला को डाल दिया, तो उसको नहीं पता था उस टाइम कि इसमें सैपलिंग्स आ जाएंगे या ये नए पौधे में चेंज हो सकता है, पर वो उसमें फ्लावर पॉट में डाल के उसको भूल गया। फिर उसके बाद उसने एक दिन देखा कि इस गमले में तो क्या हो रहे हैं, छोटे छोटे पौधे उग रहे हैं जिनकी पत्तियों पे चमकदार ओस यानी कि ड्यू मींस होता है ओस गिरी हुई है। फिर उसने उसको जो क्यारी थी वहाँ पे उन पौधों को वहाँ से निकाल के वहाँ लगा दिया, और धीरे धीरे करके जब उनको प्रॉपर सनलाइट प्रॉपर वाटर मिला तो वो खिलने लग गए। फिर तभी से दादी माँ को जब भी नीड होती थी फ्लावर की, तो वहाँ से तोड़ के उनको प्लग करके वहाँ से यूज़ कर लेती थी, और फिर वो क्या करती थी, वो कि जो बच्चा था उसको आशीर्वाद देती थी प्रेयर करते टाइम, प्रार्थना करते टाइम। तो यही था पोएम गार्लैंड्स ऑफ फॉरएवर में, और जो भी रिलेटेड वर्क है इस चैप्टर से वो हम करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।